इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। टोक्यो पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात। तो टोक्यो में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात, दोनों नेताओं को बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। इसके साथ ही कोरोना के दौरान मोदी ने शानदार काम किया। बाइडेन ने साफ तौर पर यह बात कही, कोरोना से निपटने में चीन नाकाम रहा, बाइडेन ने यह कहा। तो वहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए मोदी काम कर रहे हैं, बाइडेन ने कहा। साफ तौर पर बाइडेन से मिलकर बहुत खुशी होती है, मोदी ने कहा। तो भारत अमेरिका के बीच विकास की साझेदारी, पीएम मोदी ने ये बात कही। भारत और अमेरिकी व्यापार में विस्तार हुआ है, पीएम मोदी ने ये बात कही। तो निवेश की दिशा में प्रगति हो रही है, साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा। तकनीकी की दिशा में भी सहयोग बढ़ा है, पीएम मोदी ने ये बात कही। वहीं वैश्विक शांति के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती काफी अहम, साफ तौर पर पीएम मोदी ने ये बात कही। तो जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये 1-to-1 मुलाकात काफी अहम ये मुलाकात। इसके साथ ही बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह से कोरोना को मात दी, कोरोना पर जीत हासिल की, साफ तौर पर जो बाइडेन ने सराहना की, सराहा। इसके साथ ही चीन को कोरोना के मामलों के चलते, कोरोना को जिस तरह से चीन नहीं हरा पाया, चीन में लगातार जिस तरह से कोरोना का जो मंजर देखने को मिला, उसके चलते चीन को साफ तौर पर नकारा। और उन्होंने कहा कि चीन इस मामले में कोरोना के चलते काफी विफल रहा। तो साफ तौर पर जो बाइडेन भारत की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को सराहा और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने भी जमकर बाइडेन की तारीफ की और कहा कि भारत अमेरिका के बीच विकास की साझेदारी साफ तौर पर द्विपक्षीय वार्तालाप में देखने को मिला। तो भारत अमेरिकी व्यापार में विस्तार हुआ है, पीएम मोदी ने यह भी कहा। इसके साथ ही निवेश की दिशा में भी प्रगति हो रही है, पीएम मोदी ने कहा। तो तकनीकी की दिशा में भी सहयोग बढ़ा है, पीएम मोदी ने यह भी कहा। इसके साथ ही वैश्विक शांति के लिए भारत अमेरिका में दोस्ती।